जैसे कि मैं सब लोगों से पहले भी इस आयत का तस्करा कर चुका हूँ कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं। तो इस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये लोग हमारे हीरोज़ हैं। इनके खून का जो एक कतरा भी इस मुल्क की बका के लिए लगा उसका हम पूरी ज़िंदगी कर्जा नहीं उतार सकते। ये मुल्क आज खड़ा है तो इन्हीं शहीदों के ऊपर खड़ा है। और मुझे और मेरे साथ जितने सारे भाई हैं ये वर्दी पहनते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इनकी रवायात को इंशाल्लाह सब दिल में यही जज्बा रखते हैं। और हर बंदा जब ये वर्दी पहनता है तो उसके जहन में ये चीज़ चल रही होती है कि अल्टीमेटली उसकी ख्वाहिश यही है। तो अल्लाह हम सब को अजर दे, दुआ फुत्र हमारी पूरी पाक फौज को हिम्मत जज्बा के साथ इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाओ। ये हिफाजत कर रहे हैं या इलाहुल आलमीन, ये नेकी का काम कर रहे हैं, हम सब की हिफाजत कर रहे हैं या इलाहुल आलमीन। रात दिन ये हम सब के लिए जागते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते हैं या इलाहुल आलमीन। इनकी खैर फरमा, इनके वालदैन की खैर फरमा, इनके अजीज व अकारिब की खैर फरमा या इलाहुल आलमीन। जितने भी पाक फौज के नौजवान शहीद हो चुके हैं या इलाहुल आलमीन, सब की मगफरत फरमा, खैर फरमा, खैर वाला मामला फरमा या इलाहुल आलमीन। हम सबको भी शहादत की मौत या इलाहुल आलमीन, जब भी मौत करेंगे हम सबको कलमा शहादत की मौत। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व उन्होंने कहा था कि प्लाट जिन लोगों को नहीं मिला जी, तो हम आपको प्लाट देंगे लेकिन तकरीबन 1.5 साल हो गए कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर मैंने इधर इनके नाम से ना चौक होना चाहिए, इतने पुराने शहीद हैं किसी को नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता चलता कि आप लोग शहर में आते हैं और अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि मोहम्मद जी इनके नाम से कोई चौक कोई सड़क किसी चीज़ का नाम दिया जाए। आर्मी में भी कंप्लेंट करके इधर मैंने एसी का भी एप्लीकेशन दी, तो इंशाल्लाह ये आगे फॉरवर्ड करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जॉब के लिए कहा था कि चलो किसी को जॉब ही दे दें। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये सारा कुछ मैं लिख लेता हूँ। तो पाक फौज हमेशा अपने शहीदों का
हमेशा ख्याल रखेगी, उनके लवाकिन का ख्याल रखेगी, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाक फौज इन शहीदों की मकरूज है और ये मुल्क इन शहीदों का मकरूज है। अल्लाह हम सबको जजाए खैर दे। और मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि इस कब्र पर तशरीफ लाया करें, दुआ किया करें, क्योंकि इसी कब्र के तोसत से हो सकता है आपके इस पूरे इलाके में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जज़ाकअल्लाह।